शुरुआत करते हैं गाइस। सबसे पहले कंपोजिशन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कंपोजिशन का नाम दे देता हूँ रेंडर कॉम्प। तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया। कंपोजिशन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो प्रीसेट है HDTV 108025 और ड्यूरेशन मैंने 6 सेकंड का यहाँ पे यूज किया हुआ है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा एसेट है लोगों का उसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। इसको मैं यहाँ पे ब्रिंग कर लेता हूँ मेरी कंपोजिशन के अंदर। अब इसका साइज थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। तो उस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, स्केल प्रेस करते हैं और साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो मैंने ये साइज इसका यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ, इसका प्री कंपोजर जनरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लोगो एनिमे जो हमारा पार्टिकल लोगो रिवील करना है, हमें लोगो एनिमेशन करना है और उसके साथ इस पार्टिकल को हमें ट्विस्टेड मोशन भी देना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब जहां पे मुझे क्या करना है, इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है और मैं सबसे पहले एक मास्क यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो मास्क यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट से सिलेक्ट करता हूँ और बड़ा, तो ये मैंने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, यही सिलेक्टेड रखना है, वापस से मुझे एक दूसरा मास्क ड्रॉ करना है। तो अभी के लिए मैं इसको नन करता हूँ ताकि पूरा कंपोजिशन मेरे सामने यहाँ पे विजिबल रहे। और यहाँ से वापस क्या करता है, दूसरा मास्क भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ और इसको थोड़ा ओवरलैपिंग रखेंगे हम लोग गाइस यहाँ पे, ठीक है। वापस से मूव टूल सिलेक्ट करता हूँ, इन दोनों पॉइंट को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं थोड़ा साइड बाहर की तरफ। तो ये दोनों हमारे मास्क क्या हो चुके हैं, यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। दोनों को हम एड अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अब दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे फेदर अप्लाई कर देते हैं दोनों जगह पे वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ 15 और यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर देता हूँ 15 का फेदर में यहाँ पे अप्लाई करते हुए चलता हूँ दोनों लेयर के ऊपर। अब मेन चीज आती है यहाँ पे, मुझे करना क्या है कि मुझे ट्विस्टेड इफेक्ट भी अप्लाई करना है प्लस पार्टिकल भी अप्लाई करना है। बट हम यहाँ पे कोई भी प्लगइन यूज नहीं करने वाले हैं, आफ्टर इफेक्ट्स का इनबिल्ट प्रीसेट यूज करने वाले हैं, एनिमेशन प्रीसेट यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं इफेक्ट के अंदर। लेयर को सिलेक्ट रखना गाइस आपको, इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में हम जाएंगे सिमुलेशन के अंदर, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सीसी स्केटराइज। तो ये ध्यान में रखना है, ये ओनली स्केटराइज नहीं है, सीसी स्केटराइज है। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। आगे पढ़ने से पहले दोस्तों, बहुत लोग इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं बट आप में से कई लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारा गोल आपके साथ नॉलेज शेयर करने के साथ साथ इस चैनल की कम्युनिटी को ग्रो करना भी है। तो अगले 2 महीने में हम हमारी कम्युनिटी को 500 सब्सक्राइबर से 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें जरूर आपका साथ लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक भी जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं आगे गाइस। अब जैसे ही स्कैटराइज इफेक्ट अगर आपको देखना है यहाँ पे, तो जैसे मैं वैल्यू बढ़ाता हूँ तो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है यहाँ पे और पूरी स्क्रीन के अंदर फैल रहा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ 425 की वैल्यू दे रही है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं की अप्लाई कर देता हूँ स्कैटर के ऊपर, जो हमारा सीसी स्कैटराइज इफेक्ट है उससे स्कैटर ऑप्शन के ऊपर मैंने 425 की वैल्यू दी और यहाँ पे एनिमेशन की अप्लाई कर दी। अब चलते हैं ऑलमोस्ट 4 सेकंड के ऊपर यहाँ पे और स्कैटर वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो भाई इतना एनिमेशन हमारा जनरेट हो चुका है। यहाँ लेयर को सिलेक्ट करके यू प्रेस कर दो ताकि आपको एनिमेटेड की यहां पे नजर आएगी। अब दूसरा चीज जो हमारा मेन था वो है हमारा ट्विस्ट क्रिएट करना, मोशन देना हमारे पार्टिकल्स को जो स्कैटर के थ्रू क्रिएट हुए हैं उनको ट्विस्टेड मोशन देना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि इसको मूवमेंट देता हुआ, तो आप देखो ये प्रॉपर क्या हो रहा है, एक अच्छे खासे तरीके से ट्विस्ट हो रहा है। बट यहां पे क्या हो रहा है, ये राइट तरीके से राइट की साइड से ट्विस्ट हो रहा है। मतलब जो लोगों का यहाँ पे है साइड, वहां पे क्या हो रहा है और हमारा जो राइट साइड है वहां से वो ट्विस्ट होना स्टार्ट कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों इफेक्ट चाहिए, एक लेफ्ट भी चाहिए एक राइट भी चाहिए, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे ये करता हूं तो क्या हो रहा है भाई, एक इफेक्ट दूसरे इफेक्ट को अवॉइड कर रहा है। तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें इंडिविजुअली क्या चाहिए कि आधा लोगों राइट में ट्विस्ट होना चाहिए और आधा लोगों मुझे लेफ्ट में ट्विस्ट चाहिए। तो ठीक है, उसके लिए अभी हमें थोड़ा स्मार्ट वे पे प्ले करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं राइट में सबसे पहले की दे देता हूं और इसको मैं वैल्यू दे देता हूं अप्लाई करता हूं 180, या फिर आप पूरा का पूरा क्या कर दो एक रोटेशन, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। अब यहाँ पे चला आता हूं मैं 0 4 नंबर की फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसका वैल्यू 0 कर दूंगा। अब इसको सिलेक्ट कर लो और यू प्रेस कर लो तो आपको दोनों वैल्यूज यहाँ पे नजर में आ जाएगी। बट अब जैसे मैंने कहा ना, मेरे को हाफ हाफ चीज पे अप्लाई करना है, तो सीसी कंपोजिटिंग ऑप्शन में जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम चलते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे चलता हूँ कंपोजिटिंग ऑप्शन के अंदर। अब मैंने सीसी कंपोजिटिंग ऑप्शन के लिए एक अमेजिंग ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ है, उसका मैं एक लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि
मल्टीपल ऑप्शंस से या फिर एक ही लेयर के अंदर मल्टीपल और डिफरेंट इफेक्ट्स आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसको बहुत डिटेल में मैंने बताया है। तो यहाँ पे जाके ये ट्यूटोरियल भी जरूर देखना, बिगिनर हो या प्रो आर्टिस्ट हो, आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा गाइस। तो चलते हैं अभी आगे। यहाँ पे तो मैं क्या करने वाला, कंपोजिटिंग ऑप्शन में यहाँ पे प्लस कर देता हूं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ चुका है, मास्क वन आ चुका है। तो दैट्स डन। तो ये वाला पोर्शन मेरा यहाँ पे डन हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी इफेक्ट को यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूँ गाइस। अब डुप्लीकेट करने के बाद मैं वापस क्या कर रहा हूँ, लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे यू प्रेस कर रहा हूँ। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, राइट से यहाँ से ये हटा देना है भाई, ये जीरो का जीरो ही रहेगा। मुझे कोई यहाँ पे अभी मुझे लेफ्ट ट्विस्ट करना है, कौन से वाले एरिया में, ये वाले एरिया में। पहला वाला हमने ये कर लिया, अब इसके ऊपर हमें काम करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो लेफ्ट ट्विस्ट वाला है ऑप्शन, तो यहाँ पे वैल्यू जीरो ही रहेगी रोटेशन की। अब जीरो नंबर फ्रेम पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, वापस यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ 180। तो मैंने यहाँ पे भी 180 यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, बट अभी भी हमें कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ चेंजेस समझ में नहीं आ रहे, रीजन है। अब वापस चलते हैं हमें यहाँ पे कंपोजिटिंग में अंदर, और जो सीसी स्कैटराइज 2 है वहां पे हम चले जाएंगे कंपोजिटिंग ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे मास्क 1 की जगह पे मैं कर दूंगा मास्क 2। तो देखो पूरा का पूरा लोगो हमारा यहाँ से क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। अब अगर आप इसको प्ले करते हुए आगे लेते हुए जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये क्या होगा, फाइनली आपके लोगों के अंदर कन्वर्ट होता हुआ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप आराम से, बहुत ही सुंदर तरीके से ये हमारे लिए क्या हो रहा है, जनरेट कर रहा है। तो ये यहाँ पे हो चुका है। स्केल का भी अप्लाई कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे स्केल प्रॉपर्टी ऑन करता हूँ और यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्केल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा क्या करते हैं इसका साइज बड़ा कर लेते हैं और वापस 4 सेकंड के ऊपर आएंगे या फिर हम थोड़ा 5 सेकंड के पास चले जाते हैं और इसका स्केल हम कर देते हैं 100। तो ये कुछ इस हिसाब से हमें दिखेगा। अब लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं, सारे के सारे कीज क्या हो जाएंगे, एनिमेटेड की विजिबल हो जाएंगे। F9 प्रेस कर देते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम सिंपल सा एक ग्राफ एडिट कर देते हैं कुछ इस हिसाब से सभी एनिमेटेड प्रॉपर्टीज के लिए। तो अब हमारा एक लोगों का एनिमेशन बहुत ही बेटर तरीके से यहाँ पे आपको रिवील होते हुए दिखेगा। अब एक और चीज, यहाँ पे हमने इसको क्या करके रखा हुआ, प्रीकॉम्प करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या चाहिए कि भाई इसी के अंदर मुझे कुछ चेंजेस लेके आने हैं, मुझे क्या करने, कुछ चेंजेस इसके अंदर लेके आने। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसी लेयर को यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ। अब इस कंपोजिशन के अंदर चलेंगे हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लोगों को यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं चूज करता हूँ मेरा टेक्स्ट टूल और यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ लाइक फाल्कन वर्ड, और मैं इसको भी अलाइन कर देता हूँ कंपोजिटिंग के सेंटर के अंदर और यहाँ पे क्या कर देते हैं हम कुछ इस हिसाब से जनरेट कर लेते हैं। अब चले जाते हैं वापस हमारे रेंडर कॉम्प के अंदर और ये जो हमारा 2 है यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट। तो ये वाला भी हम कॉम्प क्या करते हैं यहाँ पे लेके चले आते हैं और इसको नीचे वाले को पहले के लिए हाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो देखो मास्क वगैरह कुछ भी नहीं आया है। तो मैं स्मार्ट वे पे क्या करता हूँ, इसका मास्क यहाँ से सिलेक्ट करते हैं हम लोग कंट्रोल सी। अब देखो ध्यान में रखना जीरो नंबर के फ्रेम के ऊपर है ना, और तब उसको कॉपी पेस्ट करना। तो मैंने कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया दोनों मास्क। अब मुझे क्या करना है, सेम जो इसके ऊपर जो इफेक्ट्स है दोनों, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ दोनों इफेक्ट के अंदर। अगेन मेंशन कर रहा हूँ आपको जीरो नंबर फ्रेम के ऊपर या फिर जहां से आपका एनिमेशन स्टार्ट करना है वहीं पे रहना, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर जहां से हमने कॉपी किया दो इफेक्ट उसके अंदर एनिमेशन की अप्लाइड है। तो अगर मैं यहां से करूंगा तो पहली की यहां लगेगी और बाकी की उसके बाद में लगेगी, तो आपके लिए गलती हो जाएगी। तो जहां से एनिमेशन स्टार्ट करना है वहीं पे आपका टाइम कर्सर होना चाहिए। लेयर को सिलेक्ट रखो और यहां पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो कंट्रोल वी। तो अब अगर आप देखोगे यहां पे तो क्या होगा, मेरा टेक्स्ट भी वैसे ही रिवील होते हुए आपको दिख रहा है। तो मेरे पास दोनों ट्विस्ट दिख रहे हैं। अभी तक आपने शायद कोई और ट्यूटोरियल देखा होगा तो आपको वन साइड या तो राइट ट्विस्ट देखने को मिलेगा तो लेफ्ट ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जबकि यहां पे हमने स्मार्ट वे पे दोनों को क्या कर दिया है, एक साथ अप्लाई किया है एक ही लोगो के ऊपर या एक ही टेक्स्ट लोगो के ऊपर। सो अब देख लेते हैं इसका फाइनल एनिमेशन दोनों का। तो आई होप गाइस आपको बहुत ही स्मार्ट टेक्निक और एडवांस लोगो एनिमेशन, पार्टिकल लोगो एनिमेशन यहाँ पे सीखने को मिला होगा, जिसमें हमने कोई भी प्लगइन यूज नहीं किया है। सो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलने का और बेल आइकन पे क्लिक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।